हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे मैरीगोल्ड्स को फ्रेंड्स मैंने ग्रो बैग्स के अंदर लगा दिया है। तो मुझे फ्रेंड्स आप लोगों से थोड़ी हेल्प चाहिए कि यहाँ पे, यानी कि ये जो लोकेशन है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मैरीगोल्ड्स को लगा दिया है। तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस लग रही है, तो यहाँ पर मैं दूसरे कौन से फ्लावर्स डालूँ ताकि यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस जो दिख रही है वो एम्प्टी स्पेस पर थोड़ी और ज़्यादा फ्लावरिंग्स दिख सके। और बाद में फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि यहाँ पर कोई प्लांट की ज़रूरत नहीं है और मैरीगोल्ड्स को ही मैं बड़ा होने दूं, तो वो भी आप बता सकते हो ताकि फ्रेंड्स मैं आगे डिसीजन ले सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे है, जो पारिजात के प्लांट फ्रेंड्स उसको कैसे तैयार कर सके। वैसे फ्रेंड्स ये जो पारिजात यानी कि हरसिंगार का जो प्लांट है, हरसिंगार का प्लांट फ्रेंड्स मेरे यहाँ पूरे साल अच्छी ग्रोथ करता है। मानसून की सीजन से लेके फ्रेंड्स ये मेरे यहाँ मार्च अप्रैल तक कंटिन्यूस ब्लूम्स देता ही रहता है। लेकिन जैसे ही समर स्टार्ट होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, तब ये हरसिंगार का प्लांट हमें फ्लावरिंग्स नहीं देता। तो ये पूरे साल चलने वाला प्लांट है, ये आप कह सकते हो। विंटर्स में भी फ्रेंड्स ये प्लांट ने मुझे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दी है। अब आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि पारिजात के ऊपर ट्रिमिंग कैसे करते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं। वो तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन साथ में फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ये इश्यू पारिजात यानी कि हरसिंगार के प्लांट के ऊपर होती है, और वो इश्यू है उसका लीव्स का टिप से ब्राउन होना या तो येलो होना। तो ये कॉमन जो प्रॉब्लम है आपको बहुत सारे व्यूअर्स को देखने को मिल जाएगी पारिजात के प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये प्लांट की ट्रिमिंग की बात कर लूँगा। तो ये जो पारिजात का प्लांट है, मैं किस हिसाब से ट्रिमिंग करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। जैसे कि ये जो देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी सारी ये जो ब्रांचेस निकली हुई है, ये सारी नई ब्रांचेस निकली हुई है, ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स मैं रेगुलरली पूरे साल फ्रेंड्स मैं ट्रिमिंग करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई सीजन चेंज हुई तो मैंने ट्रिमिंग की। जैसे कि फ्रेंड्स ये प्लांट मेरा ब्लूम्स कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांच निकली हुई है, ब्रांच के टिप के ऊपर अभी फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। अब जैसे ही फ्रेंड्स ये जो ब्रांच है ये फ्लावरिंग्स देना बंद कर लेगी, अब थोड़े थोड़े लीफ नोड के पास से फ्रेंड्स फ्लावरिंग स्टिक निकलती रहती है। जैसे कि ऊपर के फ्लावर्स ख़त्म हो तो बाद में नीचे के जो लीफ नोड्स है वहाँ से इसके ऊपर फ्लावरिंग्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ब्लूम्स देता रहता है। लेकिन एक बार फ्रेंड्स ये जो स्टेम है ये फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, उसके बाद से फ्रेंड्स मैं यहाँ से ये प्लांट को कट कर देता हूँ। ये जो नोड एरिया है वहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो यही प्रोसेस फ्रेंड्स मैं रेगुलरली करता रहता हूँ जैसे ही इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स ख़त्म हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करता हूँ। इससे फ्रेंड्स मेरे प्लांट के ऊपर रेगुलरली न्यू स्टेम ब्रांचेस निकलती रहेगी और वो ब्रांचेस के ऊपर आपको फ्लावरिंग्स देखने को मिलते रहेंगे। आप देख रहे हो मेरे पारिजात की हर एक स्टेम के ऊपर से फ्लावरिंग निकल रही है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ये प्लांट को ट्रिम किया था, जैसे कि देख रहे हो यहाँ से दो स्टेम निकली है, ये स्टेम भी फ्लावरिंग्स दे रही है और ये दूसरी स्टेम भी मुझे फ्लावरिंग्स दे रही है। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने प्लांट को ट्रिम किया है, जैसे कि देख रहे हैं ये एरिया से, तो यहाँ पे जो स्टेम है उसके ऊपर फ्लावरिंग्स निकल रही है, यहाँ से दो स्टेम निकल रही है उसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स हो रही है। तो जहाँ जहाँ से फ्रेंड्स न्यू स्टेम निकलेगी वहाँ से ये प्लांट आपको फ्लावरिंग्स देने ही वाला है। तो सीजन है इसके ब्लूम्स की, जैसे कि फ्रेंड्स समर सीजन आने वाली हो यानी कि अप्रैल मई जून का महीना हो, तो 15 अप्रैल के बाद फ्रेंड्स मैं ये प्लांट को ट्रिम कर देता हूँ। 15 अप्रैल के बाद ये ट्रिम करूंगा तो इसके ऊपर से फिर से न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तब ये प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं दे पाएगा। तो दो महीने तक फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के ऊपर कोई भी ट्रिमिंग वगैरह नहीं करनी है, यानी कि मई जून के महीने में हमें ये प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप की ट्रिमिंग नहीं करनी है, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट स्ट्रेस में होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो फ्लावरिंग्स नहीं देगा। तो तब फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपके यहाँ जून जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा, मॉनसून की सीजन स्टार्ट होगी, तब आप अपने जो पुरानी ब्रांचेज है वो फिर से ट्रिम कर लीजिए और जून जुलाई के महीने में ये आपको फिर से फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ट्रिमिंग करनी होती है पारिजात के प्लांट की। कोई पर्टिकुलरली सीजन यानी कि जैसे कि जनवरी के फेब्रुवरी के महीने में, जैसे कि फ्रेंड्स पर्टिकुलर साल में एक आध बार तो मैं इसके ऊपर ट्रिमिंग करता ही नहीं। तो ये मेरा तरीका है फ्रेंड्स पारिजात को ट्रिमिंग करने का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इसको फर्टिलाइजर कौन सा देना है। अब ये जो पारिजात का प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट रेगुलरली अगर आप चाहते हो इसके ऊपर फ्लावरिंग्स निकलते रहे, तो ये प्लांट के अंदर फ्रेंड्स जब भी आप ट्रिमिंग करते हो, यानी कि एक बार आपने इसकी ब्रांचेस को ट्रिम कर ली, तब फ्रेंड्स आप इसकी सॉइल को थोड़ा सा हटा सकते हो, यानी कि 1 इंच 2 इंच जितनी सॉइल बाहर निकाल दीजिए और सॉइल के साथ फ्रेंड्स आप थोड़ा सा कॉम्पोस्ट मिलाइए। जितना ज्यादा कॉम्पोस्ट मिलाओगे तो बाद में ये जो प्लांट है आपको ब्लूम्स कम देगा या तो नहीं देगा, क्योंकि कंपोस्ट के अंदर फ्रेंड्स नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
और अगर आप लिक्विड काउडंग भी देते हो तो फुल्ली डाइल्यूटेड फॉर्म में दीजिए, यानी कि 500 ml जितना हमें लिक्विड काउडंग लेना है उसको 10 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, और बाद में हफ्ते में एक बार फ्रेंड्स हमें ये डाइल्यूशन वाला लिक्विड हमें इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। तो इससे ज़्यादा फ्रेंड्स काउडंग कॉम्पोज या तो वर्मी कॉम्पोज या तो वर्मी कॉम्पोज लिक्विड काउडंग लिक्विड इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं देना है। काउडंग कॉम्पोज अगर आप देते हो जैसे ही आपने सॉइल बाहर निकाली और काउडंग कॉम्पोज अगर आप मिक्स करते हो तो आधी मुट्ठी से भी कम थोड़ा सा काउडंग कॉम्पोज आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये जो प्लांट है उसके लिए जरूरी है सुपर फॉस्फेट, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये तीन फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीन फर्टिलाइजर में जो मैं बता देता हूँ, सुपर फॉस्फेट की जगह पे आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोन मील नहीं लाना चाहते तो बाद में होममेड बोन मील की मेरी वीडियो मौजूद है तो वो देख लीजिए। तो बोन मील अगर आप डालते हो फ्रेंड्स तो 2 चम्मच जितना बोन मील डालिए, और अगर आप पोटाश डालते हो तो 1 चम्मच जितना पोटाश आप अप्लाई कर सकते हो। पोटाश की जगह पे फ्रेंड्स आप ड्राई बनाना पील्स क्रश करके फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर मिक्स कर सकते हो। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश मिक्स करना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो तो 1 से 2 चम्मच जितना सिंगल सुपर फॉस्फेट इसकी सॉइल के अंदर मिक्स कर सकते हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर हमें इसकी सॉइल के अंदर मिक्स करना है ताकि ये जो प्लांट है आपको ब्लूम्स दे सके। अब फाइनली बात आती है फ्रेंड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की। यहाँ पे फ्रेंड्स सॉल्यूशन है आपका जो प्रॉब्लम, आपके जो प्लांट के लीव्स के ऊपर जो आता है प्रॉब्लम, जो लीव्स टिप से ब्राउन हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो पारिजात का प्लांट है फ्रेंड्स उसको फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर तो पसंद होते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको रेगुलर इंटरवल पे जाना चाहिए कि महीने में एक बार फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर या तो आप ये प्लांट के ऊपर अच्छी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसके लीव्स आपको टिप से ब्राउन होते हुए दिख जाएंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पे जाके आप माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर परचेज कर सकते हो। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रेंड्स हमें 1 चम्मच लेना है और सॉइल के साथ फ्रेंड्स अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और महीने में एक बार फ्रेंड्स अगर आप रेगुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर देते रहोगे तो बाद में ये प्लांट के अंदर ये इश्यू नहीं आएगा। अब आप रेगुलरली फ्रेंड्स अगर प्लांट के ऊपर स्प्रे करना चाहते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट का तो हमें सिर्फ 2 ग्राम जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। महीने में एक बार अगर आप इसके ऊपर स्प्रे करोगे तो बाद में ये जो प्लांट है इसके लीव्स ग्रीन निकलेंगे, फ्लावर प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है ये हमारे पारिजात और हरसिंगार के प्लांट में, ताकि ये जो इश्यू है आपके प्लांट के ऊपर वो नहीं आएगा और आपका जो प्लांट है वो भी कुछ ये हिसाब से ब्लूम्स देता रहेगा। बाकी तो सब नॉर्मल चीज है, जैसे कि हम सीवीड वगैरह अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो कर सकते हो। ग्रोथ प्रमोटर फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे ही आप ट्रिमिंग करते हो अपने प्लांट के ऊपर तो ग्रोथ प्रमोटर फर्टिलाइजर का स्प्रे करोगे, और जैसे ही आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ लेना स्टार्ट हो जाए तब हमें वो फर्टिलाइजर बंद कर देना है। उसके बाद हमें न्यूट्रिशंस देना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि बैलेंस एनपीके का अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो बैलेंस एनपीके का भी स्प्रे कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है, ये प्लांट आपको ब्लूम्स वैसे भी देने वाला है क्योंकि आपने सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर उसको अच्छी तरह दे दिया है। बस बेसिकली फ्रेंड्स ये प्लांट की नीड होती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से इसके लीव्स डैमेज नहीं होंगे और प्लांट हेल्दी रहेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स आपको दे सकता है। बाकी आपको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे रेगुलरली करते रहना है ताकि इसके ऊपर किसी भी टाइप के पेस्ट और इंसेक्ट्स नहीं लगे। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये पारिजात प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।